खबर बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम माता के बीलवरा से है, जहां रविवार की दोपहर हैंडपंप सुधारने गई पीएचई विभाग की टीम के साथ गांव के ही एक युवक ने शराब के नशे में अश्लील गाली गलौज कर डंडे गाड़ी के कांच तोड़ दिए, साथ ही मारपीट कर दी। पीएचई विभाग की टीम ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को देते हुए बैराड़ थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। मारपीट की इस घटना में घायल पीएचई विभाग के मास्टर कर्मी सलमान खान निवासी भटनावर ने बताया कि माता के बीलवरा निवासी युवक सेवू रावत ने शराब के नशे में टीम को गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की, साथ ही पीएचई विभाग की गाड़ी के कांच के शीशे तोड़ दिए हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, अगर ऐसे ही हमारे साथ ग्रामों में व्यवहार हो रहा है तो हम लोग कैसे काम करेंगे। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कैसे क्या घटना क्रम हुआ? ऐसे अंदर से हम यहाँ से गए थे ने, और अंदर घर में से लाठी ले गए, सीधा एकदम मारा, दो तीन लोग डांट रहे थे, वो नहीं रुका, और लोग देख रहे थे, बच्चे लोग, उनसे पूछा बेटा इसका क्या नाम है, तो नाम किसी ने नहीं बताया। अच्छा, बात विवाद किस बात को लेकर हुआ? कोई पंप के चक्कर में, हेड पंप की कह रहा था कि पंप सही करना है, तो हम जब सही करने आए तो अंदर का गांव में कहा था, गांव से पहले से ही गांव का अंदर दौड़ी दे दीवाने, और घर में घुस के लाठी ले गए, सीधे साइड क्लास में मारा, और हम ड्राइवर साइड आया तो ड्राइवर साइड के टोनी में दे दी हाथ में। तो आपके साथ मारपीट वाली जो घटना हुई है कौन से गांव में हुई है? बीलवरे में। बीलवरा। तो क्या मामला है? कुछ नहीं है, हम हेडपम्प सही करने गए थे, तो वो बोला कि ये हेडपम्प का डंडा चेंज कर दो, हमने कहा वो कर देते हैं, तो किसने किसने कहा था आपसे ऐसा? क्या नाम था उसका? सेवू रावत। क्या कहा था उसने? बोला कि ये हेडपम्प का डंडा चेंज कर दो, हमने कहा आओ कर देते हैं, इतने में गए बस वो लट्ट लेके आ गया, उसने मारा पीट चालू कर दी। तो आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या उससे? कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। क्या आपने शिकायत की इसकी कहीं? की बेड़ाता में। तो रिपोर्ट वगैरह हो गई कि नहीं हुई? हाँ, ये सब कागज पे लिख लिया है उनने। और आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया? बिल्कुल करा दिया, बिल्कुल बता दिया सबको। अब आप क्या चाहते हो? कार्रवाई की जाए, ऐसे तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें मारेंगे ऐसे तो आदमी।